आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ चेंज गियर रेशियो। मशीन टूल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से चेंज गियर रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल है डिटरमाइन चेंज गियर इफ द लीड ऑफ द थ्रेड टू बी कट इज 1/28 इंच एंड हैव 4 थ्रेड्स पर इंच ऑन लीड स्क्रू। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और सबसे पहले गिवन डाटा जो क्वेश्चन पे मेंशन हुआ होगा उसे नोट डाउन करिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है लीड ऑफ द थ्रेड टू बी कट इक्वल टू 1/28 इंच, थ्रेड पर इंच ऑन द लीड स्क्रू इज गिवन इक्वल टू 4 इंच। फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द चेंज गियर रेशियो इज टीथ ऑफ द ड्राइवर गियर डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर इक्वल टू पिच ऑफ द थ्रेड टू बी कट डिवाइडेड बाय पिच ऑफ द लीड स्क्रू। क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ है वो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ है हम वो फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें एक रेशियो मिलता है विच इज़ 4/28। 4 को हम 2 × 2 और 4×7 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। गियर रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल गियर के साइज़ होते हैं जिसके टीथ हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 और 120। ये हमारे अवेलेबल गियर हैं। दीज आर आवर अवेलेबल गियर्स। हमें इसके ही अकॉर्डिंग टीथ जो है वो सेलेक्ट करना है। हम वापस न्यूमेरिकल पे जाते हैं। हमारा रेशियो था 4/28। हम 4/28 को 40/80 and 20/70 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसे इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल गियर का सेट है हमें इसी में से ही गियर टीथ सेलेक्ट करना है फॉर ड्राइवर और ड्रिवन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल गियर्स पे 20, 40, 70 और 80 अवेलेबल है। हमें इसी तरह के ही सूटेबल गियर्स को सेलेक्ट करना है। तो हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर इक्वल टू 40 and 20, फॉर ड्रिवन इज 80 and 70। हम अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सूटेबल गियर ट्रेंस फॉर द 4 mm पिच ऑन अ 11 mm पिच लीड स्क्रू। वापस से गिवन डाटा पहले मेंशन करेंगे। लीड ऑफ द थ्रेड टू बी कट इज गिवन इक्वल टू 4 mm एंड थ्रेड्स ऑन द लीड स्क्रू इक्वल टू 11 mm। फार्मूला जो हमें यूज़ करना है वो है टीथ ऑफ द ड्राइवर गियर बटा टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर इक्वल टू पिच ऑफ द थ्रेड टू बी कट बटा पिच ऑफ द लीड स्क्रू। ये वैल्यूज़ जो हमें गिवन डाटा पे हैं हम इस फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 4/11 का। हमें पता है कि जो अज्यूमिंग अवेलेबल गियर है उनके टीथ 20 से 120 के बीच जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये अवेलेबल है। तो हमें 4/11 को ऐसा कन्वर्ट करना होगा कि ये अवेलेबल गियर्स का वैल्यू वहाँ पे आ जाए। तो हमें 4/11 के रेशियो को ऐसे कन्वर्ट करना होगा कि ये अवेलेबल गियर का रेशियो भी हमें 4/11 ही दे। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करा के 20/50। क्या 20 और 55 का गियर्स हमारे पास अवेलेबल है? तो यस, ये अवेलेबल है। तो हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर गियर इक्वल टू 10T एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर इक्वल टू 55। जो न्यूमेरिकल है ये आपके एग्ज़ाम पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पे आया हुआ है। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। द चेंज गियर रेशियो टू कट अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड ऑफ 1.5 mm पिच इन अ लेथ मशीन हैविंग अ लीड स्क्रू ऑफ 6 mm पिच। फिर से सॉल्यूशन बनाते वक्त गिवन डाटा जो दिया है उसे पहले मेंशन करेंगे। जस्ट लीड ऑफ द थ्रेड टू बी कट इक्वल टू 1.5 mm एंड थ्रेड ऑन लीड स्क्रू इक्वल टू 6 mm। फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं टीथ ऑफ द ड्राइवर गियर डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर इक्वल टू पिच ऑफ द थ्रेड टू बी कट डिवाइडेड बाय पिच ऑफ लीड स्क्रू। पुट ऑल दिस वैल्यू ऑन द फॉर्मूला, व्हाट वी गेट? वी गेट द वैल्यू 5/20। फिर से अवेलेबल गियर्स पे चेक करेंगे क्या 5/20 अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम फिर से इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने अवेलेबल गियर के रेशियो से मैच करने की।
हम 4 का मल्टीपल कराते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि 20 और 80 बनता है जो कि अवेलेबल गियर्स पे मौजूद है, तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं 20 और 80 को। तो आंसर होगा नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर इक्वल टू 20 एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर इक्वल टू 80। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू।